टू ग्रेड 10 हिंदी लेसन नंबर 13 नेम इज साधु उपदेश। साधु उपदेश यह एक रचना है और यह रचना कवि काकाहात ऋषि द्वारा लिखी गई है। काकाहात ऋषि का जन्म सन 1906 ईस्वी में हुआ था। काकाहात ऋषि हिंदी के जाने माने हास्य व्यंग्यकार थे। उन्होंने हिंदी जगत में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। उनका मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था, पर हाथरस में एक नाट्य मंचन के दौरान उन्होंने काका की भूमिका निभाई थी और उसी की वजह से उनका नाम काकाहात ऋषि पड़ गया। हाथ ऋषि, जैसा कि आपको लगता होगा कि ये हाथ ऋषि कोई सरनेम है, ये कोई सरनेम नहीं है, यह उत्तर प्रदेश का एक शहर है और वहाँ पर प्रभुलाल गर्ग ने अपने काका की भूमिका निभाई थी उस नाट्य मंचन के दौरान, इसलिए कवि प्रभुलाल गर्ग का नाम ही काकाहात ऋषि के नाम से जाना गया है। कुल मिलाकर उनके 42 संकलन हैं और सन 1985 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष काकाहात ऋषि पुरस्कार दिया जाता है। तो इस तरह से कवि काकाहात ऋषि द्वारा लिखी गई प्रस्तुत रचना जिसका नाम है साधु उपदेश, और साधु उपदेश रचना में उन्होंने ढोंगी द्रुत बाबाओं का चित्रण किया है कि किस तरह से बाबा ढोंगी होते हैं और ये पीले वस्त्र पहनकर और चंदन का लेप करके किस किस तरह से लोगों को अपने चुंगल में फंसा कर रखते हैं। हाथ में एक माला ले लेते हैं, मौन व्रत कर लेते हैं और गांव से दूर या शहर से दूर जाकर बाहर कहीं एक झोपड़ी बना लेते हैं और इस तरह से ऐसे द्रुत बाबाओं का और ऐसे ढोंगी बाबाओं का चित्रण उन्होंने अपनी रचना में किया है। तो देखिए किस तरह से बाबा किस किस प्रकार के ढोंग रचते हैं। आइए प्रिय भक्तगण उपदेश कुछ सुन लीजिए। तो ढोंगी साधु अपने भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं, पढ़ चुके हैं बहुत पोथी आज कुछ गुण लीजिए। तो क्या कहते हैं ढोंगी साधु अपने भक्तों को उपदेश देते हुए कि आप लोगों ने बहुत ही पुस्तकें और ग्रंथ पढ़े होंगे, पढ़ चुके हैं बहुत पोथी आज कुछ गुण लीजिए। तो आप लोगों ने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी होंगी और बहुत से ग्रंथ पढ़ लिए होंगे और आज आप कुछ दूसरे गुण भी ले लीजिए। तो यहाँ पर भक्तगण का शब्दार्थ कुछ दिए गए हैं, अर्थ होता है भक्त लोग, और पोथी का अर्थ होता है पुस्तक या हम उसे ग्रंथ भी कह सकते हैं। तो इस तरह से क्या कहते हैं कि ढोंगी साधु अपने भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आपने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी होंगी, बहुत से ग्रंथ पढ़े होंगे, आज आप कुछ दूसरे गुण भी ले लीजिए। हाथ में वो गौमुखी माला सदा गिरती रहे, नम्र ऊपर से बने भीतर छुरी चलती रहे। तो क्या कहते हैं काकाहात ऋषि कहते हैं कि ढोंगी बाबा जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो हाथ में एक गौमुखी माला ले लेते हैं और उसे जो है फिराते रहते हैं, माला को फिराते रहते हैं और ऐसे लगता है जैसे कि वे ईश्वर का ध्यान में बैठे हैं या भगवान का जाप कर रहे हैं। नम्र ऊपर से बने, वे जो है ऊपर से नम्र बने हुए होते हैं और अंदर से छल कपट करने से नहीं चूकते हैं। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, और ढोंग करने के लिए उन्हें जो है किसी न किसी चीज का सहारा लेना पड़ता है। तो क्या करते हैं वे नगर से बाहर जाकर अपनी एक झोपड़ी बना लेते हैं। दीप जैसी देह चमके सीप जैसी खोपड़ी, और सच्चा साधु दिखने के लिए उन्हें कुछ न कुछ करना पड़ता है।
मीन्स मुंडन करा लेना पड़ता है और शरीर पर चंदन से श्रृंगार आदि करना पड़ता है। तो दीप जैसी दीर्घ चमके, दीप का अर्थ होता है दिव्य, दीप का अर्थ होता है दिव्य और तर्क का अर्थ होता है दलील। तो कवि कहते हैं कि उन्हें कुछ न कुछ ढोंग तो करना ही पड़ता है, क्या करने के लिए, अपने आप को साधु बनाने के लिए या साधु का वेश धारण करते हैं, इसलिए ताकि वे लोगों को कुछ न कुछ उल्टा सीधा या जो है कुछ न कुछ उन्हें उपदेश दे सके। नगर से बाहर बगीचे में बनाने झोपड़ी, तो क्या करते हैं जो ढोंगी साधु होते हैं वो नगर से बाहर एक अपनी झोपड़ी बना लेते हैं। दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी खोपड़ी, और उनका जो शरीर होता है, देह मीन्स शरीर, उनका जो शरीर होता है वो कैसे चमकता है, दिव्य की भांति चमकता है, और उनकी जो खोपड़ी है मतलब कि उनका जो सिर है वो सीप के जैसे चमकता है। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, यदि उनके सामने कोई तर्क वितर्क करने के लिए आ जाता है या दलील करने के लिए आ जाता है, खुले जाए पोल इस भय से लगे मत कांपने। तो कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि जो ढोंगी बाबा होते हैं उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि यदि उनके सामने कोई तर्क वितर्क करने के लिए आ जाता है और वे इस भय से कहीं कांपने न लग जाए, तो क्या कहते हैं कि अगर आपके सामने कोई तर्क वितर्क करने आ जाता है, दलील करने आ जाता है, तो आप उस समय डरिए मत, घबराइए मत और कांपने मत लग जाइए। किस डर से, कि कहीं हमारी पोल न खुल जाए। जीव क्या है, ब्रह्मा क्या है, और यदि कोई आपसे जीव क्या है, ब्रह्मा क्या है, तो जीव का अर्थ होता है आत्मा, जीव का अर्थ होता है आत्मा, और ब्रह्मा का अर्थ होता है परमात्मा। और कवि कहते हैं कि यदि कोई आपसे आत्मा और परमात्मा के बारे में पूछे कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तू कौन है, मैं कौन हूँ, इस तरह से अगर कोई आपसे सवाल पूछे तो स्लेट पर लिख दो महोदय आजकल मैं मौन हूँ। तो आप क्या करना, आप एक स्लेट के ऊपर ऐसा लिख कर रख दीजिए कि आज जो है मैं मौन व्रत पे हूँ और आज मैं आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, आजकल मैं मौन हूँ, धर्म संकट सीधा ही इस युक्ति से कट जाएगा। और यदि आप स्लेट के ऊपर ये लिख दोगे कि मैं जो है मौन व्रत पर हूँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं आत्मा परमात्मा के बारे में बता नहीं सकता हूँ, मैं कौन हूँ और आप कौन हूँ, इन सब के बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ, यदि आप स्लेट के ऊपर सिर्फ इतना लिखोगे कि मैं मौन व्रत पे हूँ, तो आपका जो भी धर्म संकट है वो टल जाएगा, इस युक्ति से कट जाएंगे, सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। और ये जो युक्ति आप लिखोगे तो इससे जितना भी आपका जो तर्क वितर्क करने वाले हैं वो सभी आपसे इस तरह के प्रश्न पूछने से बंद हो जाएंगे। किए जा निष्काम सेवा सब फलिच्छा छोड़कर, तो कवि कहते हैं कि आप जो है सभी फलों की इच्छा छोड़कर निष्काम मतलब निरपेक्ष, निष्काम का अर्थ होता है निरपेक्ष मतलब बिना किसी उपेक्षा के कार्य करना, और फलेच्छा का अर्थ होता है फल की इच्छा। फल की इच्छा, तो कवि कहते हैं किए जा निष्काम सेवा सब फल इच्छा छोड़कर, आप फल की इच्छा छोड़ करके बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते जाओ। याद फल की जब सताए खा पपीता छोड़कर, और आपको कभी भी फल की याद सताए
कि जैसे मैंने कर्म किए हैं उसके अनुसार मुझे कैसा फल मिलेगा। तो जब भी कभी आपको फल की याद सताए तो आप जो है जो आपके हाथ में आए उसे झपट कर खा लेना या फिर पपीता तोड़कर खा लेना। स्वर्ग का झगड़ा गया है भी नर्क का छोड़ दे, और स्वर्ग में जाने की चिंता आप छोड़ दीजिए और नरक में जाने का भय भी आप छोड़ दीजिए। आप ये मत सोचिए कि पता नहीं मुझे स्वर्ग में जगह मिलेगी या फिर नरक में जगह मिलेगी। पाप घट भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे, और कवि कहते हैं कि यदि पाप का घड़ा भर जाए तो पाप से निवारण कहाँ जाकर मिलता है, काशी में। तो कवि कहते हैं कि यदि पाप का घड़ा भर जाए तो आप काशी में जाकर या काशी में पहुंचकर वहां पर जाकर उस पाप से मुक्त हो जाइए। तो इस तरह से कवि काकाहात ऋषि ने अपनी रचना के द्वारा जो द्रुत ढोंगी साधु होते हैं उनका चित्रण किया है कि किस तरह से वे लोगों को, अपने भक्त गणों को किस किस तरह से उल्टी सीधी चीजें बताते हैं, या वो यही कहते हैं कि माला का जाप करने से सभी लोग आपको साधु मानेंगे और इस तरह से आपके ऊपर तरह तरह की भेंट चढ़ा दे रहेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर हास्य व्यंग्यकार कवि हैं और उन्होंने हास्य व्यंग्य के रूप में अपनी प्रस्तुत रचना लिखी है। तो इस तरह से आप यह जो दी गई रचना है उसे अच्छी तरह से रीड कर लीजिए और आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए। थैंक यू।